जैन साहब। जैन शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। ये वो मौका है जब हम बात कर रहे हैं जब किसी भी मोमेंट पे नोटिफिकेशन सीडीएस की आ सकती है। अब आप सोच के देखिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि अगर अभी तक किसी ने तैयारी नहीं की, मेजोरिटी ऐसी होती है जिसने तैयारी अभी तक नहीं की होती है, होश में तो अब नोटिफिकेशन देखने के बाद आएंगे, तो आप उसे क्या सलाह दोगे? 3 महीने में तैयारी हो सकती है जहां पहले 6 महीने मिलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तैयारी इज नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान है तो 3 महीने इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। चलो सर, मैं आपके लिए थोड़ा टफ कर देता हूँ, आप ना बड़े लीनियर वे में बता रहे हो। सपोज करते हैं लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस लड़की की बेचारी की शादी हो जाएगी, घर वालों ने धमकी दे रखी है, या तो इसमें तू कर ले वरना तेरी शादी करा देंगे। और लड़के की बात करें तो उसका भी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला तो भाई साहब, अब तो भैया बैंकिंग की तैयारी करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, आप सब सोच के देखो, अभी भी आप एक कहोगे 3 महीने मोर देन सफिशियंट है? देखिए 3 महीना आपके पास है, हाँ, वो 3 महीना उस बंदे के लिए जिसके लिए लास्ट अटेम्प्ट है या फिर जिस लड़की के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, वो 3 महीने से लास्ट अटेम्प्ट दोज नहीं हो जाने वाले, वो एक ही लास्ट रहने वाला है। तो अगर फिर भी अगर आप उसको लास्ट को, ये लास्ट वर्ड हटा दो उसमें से और उसको एज अ फ्रेश चैप्टर के तौर पर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक श्योरली वन कैन मेक दिस थिंग। सर आपके लिए कहना आसान है बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बात नहीं, मतलब आप सोच के देखिए, आप 3-4 बार सीरियस दे चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है और आप कह रहे हैं एकदम से लास्ट हटा दो, वो तो अपनी पूरी प्रोफेशन में ना कहीं नया स्टार्ट देख रहा होगा, यार यहां तक तो हो गई है, यहां से क्या। चलिए कोई बात नहीं, आपने बात बिल्कुल सही बोली, मैं थोड़ा और स्पेसिफिक में कहता हूँ। अब ये जो लड़का या लड़की है उसकी कोई फेवरेट अकेडमी भी है, जैसे गर्ल्स के लिए ओटी हो गई, मैन के लिए AFA, IMA, INA हो गया, इन सभी का टारगेट स्कोर या मैं कहूँ कट ऑफ अलग अलग होता है, अभी भी 3 महीने काफी है? हाँ जी, रीजन इज मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। देखिए रीजन के साथ अब आप देख रहे हैं कट ऑफ, पर अगेन मेरा मानना थोड़ा सा अलग रहता है, जो कि कभी शायद आप उससे सेटिस्फाइड ना हो या फिर और जितने लोग हैं जो सुन होंगे उन्हें लगेगा कि यार नहीं यार ये चीज थोड़ी गलत बोल रहे, बट रियलिटी इज कि जो अगर आप कट ऑफ पे फोकस करके प्रिपरेशन करेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। रीजन इसके पीछे ये दे रहा हूं कि अगर आप अपने दिमाग में टारगेट सेट कर रहे हो, टारगेट सेट करने के बाद जो प्लान बना रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप पहले प्लान पे फोकस करो, टारगेट को साइड कर दो, क्योंकि टारगेट देखोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार मुझे वो टारगेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर वो प्लान आप अपने पूरे दिल से उस प्लान पे वर्क करेंगे तो फॉर श्योर नो डाउट आपका रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है। क्योंकि आप अगर जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि IIMA कट ऑफ 140 पार जा रहे हैं, जो AFA कट ऑफ है 150 प्लस जा रहे हैं, लेटेस्ट में बढ़ता ही चला जा रहा है कट ऑफ, तो उस पैटर्न पे अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे तो प्रेशर तो बहुत बढ़ने वाला है बच्चों के ऊपर, नो डाउट प्रेशर इंडीड बहुत अच्छा खासे लेवल पे आ चुका है। अब इस प्रेशर को हटाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी इस 3 महीने को प्रॉपर सब कुछ सेट करके सिर्फ प्रिपरेशन को एंजॉय करो, सिर्फ एंजॉय करो प्रिपरेशन को, दैट वुड बी द बेस्ट सजेशन विच आई कैन गिव। सर देखिए, दूसरी की सीट पे बैठ के आराम से सलाह देना बहुत आसान होता है और हम दोनों वही कर रहे हैं एक तरह से। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पर लंका लग जाती है, यू आर द फाउंडर ऑफ एग्जाम बैटल, और जो आपने अपना कोर्स बनाया है एग्जाम बैटल का, माशाल्लाह क्या है वो चीज। ठीक है, कराते तो आप बहुत बढ़िया, देखो आप जरा ध्यान से देखो, पहले आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, फिर आप तैयारी कराते हो, फिर मतलब मॉक टेस्ट देते हो, PYQ देते हो, फिर इसी स्ट्रेटेजी को कराते कराते पास्ट ईयर पूरा एकदम मतलब घुट देते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट सर ये बात ना 3 महीने में अच्छी लगती, मतलब कि यार अच्छी क्या, मतलब बहुत हैक्टिक वाली लगती है। मैं आपको बताता हूँ, समझो आप इनकी ना तकलीफें समझो, गर्ल्स 14 सीटें हैं पूरे देश में, देने वालों की संख्या 5 लाख के ऊपर होती है, मान के चलो 2 लाख तो लड़कियां होंगी कम से कम। ठीक है, और 8,000 सीटें रिटर्न के लिए होती है, 8 या 6,000। ठीक है, उन 6,000 में से भी लड़कियों का रिकमेंडेशन 14 सीटों के लिए 300 होता है लास्ट SSB के लिए, मुझे याद है अच्छी तरह से। ठीक है, अभी छोटी बात नहीं है। अब आप सोच के देखो, उनके लिए तो लड़ाई देखो मैन से भी ज्यादा है, 110 के ऊपर OTA के लिए मार्क्स लेकर आने, चाहे कट ऑफ कितनी आए, 115-120 तो लाना ही लाने। नाउ यू स्टिल बिलीव कि वो 3 से 6 मतलब जो 3 महीने हैं वो ऑल ओके हैं? ओके शुभम, आपने क्वेश्चंस काफी पूछ लिए, उन क्वेश्चंस को मैं 1 by 1 एक सिस्टमैटिक वे में करने की कोशिश करूंगा। बताइए सर। सबसे पहली चीज क्या है कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज टू बी द फाउंडर, डायरेक्टर और CEO ऑफ एग्जाम बैटल। ओके, Whatever exam battle is in present, that is just and just the result of the trust, of the mutual understanding that my team has on me.
सेकेंड चीज आपने बोली कि लड़कियां जो होती हैं 5 लाख में उनका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख उनकी संख्या होती है, ऑल राइट, दैट इज परफेक्टली फाइन, और उसमें केवल सीट्स होती हैं 14। तो आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर आप इंडिविजुअली उन 14 लड़कियों से जाके इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें से 95% से भी ज्यादा लड़कियों का ये सजेशन रहेगा कि हमने अपने दिमाग में मेरिट को फोकस नहीं रखा हुआ था। रीजन बीइंग कि आप एक सोच के देखो, अगर कोई लड़की प्रिजन में प्रिपरेशन कर रही है, जो कि मोस्ट ऑफ साल्स होता है, वो सोचते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन का मतलब ही नहीं है, मैं तो उन 2 लाख में से एक हूं, और क्या पता क्या मैं वो लकी चार्म में होने वाली हूं कि 14 लोगों में से मैं एक होंगी। तो आधी उनकी जो डीमोरलाइजेशन का रीजन तो यहीं पे आ चुका है, तो आधी लड़ाई तो यहीं पे हार चुकी है पूरी तरह से, समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को। तो इन द सेम वे आपकी मेरिट तो आएगी 1 साल बाद, तो भैया आप 1 साल पहले क्यों अपनी प्रिपरेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए जो प्रेजेंट में आप दे रहे हैं। अगर आपका वो, क्योंकि आपको सिलेबस पता है, एक सेट सिलेबस है, अनप्रेडिक्टेड है सिलेबस, बट फिर भी एक सेट सिलेबस है, आपको पता है क्या आने वाला है, पैटर्न देख के आप प्रीवियस ईयर से देखेंगे, पैटर्न पता है, तो सिर्फ आग बंद करके अपना बेस्ट दो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो। ये मैं सबको बोलता हूँ, अगेन ये कभी बहुत लोग डिसएग्री करते हैं, सर एक्सपेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए, मान रहे सिलेक्शन चाहिए, लेकिन स्टिल सबसे पहले सिलेक्शन से आप अपना बेस्ट दो। आपके अंदर जो चीज है क्या वो आप पूरी तरीके से पूरे पोटेंशियल पे आके दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि इकोनॉमिक्स में टर्म होता है, एक एक्चुअल पोटेंशियल होता है और एक रियल पोटेंशियल होता है, तो आप क्या अपने पोटेंशियल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, दिस इज द थिंग। ठीक है सर, आपने बात कही, बट मैं अभी भी कहूंगा, अभी हम मोटे मोटे पे हैं, अगर इनको सोचे इतने वर्ड से इनको ये क्लियर नहीं होगा कि अगले 3 महीने कैसे जाएंगे उनके, सीधी सीधी बात। चलो एक काम करते हैं, इसको सर थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, आई एम रियली सॉरी मेरी बातें लैकपुल लग रही होंगी, बट नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल गो है। हाँ सर, मुश्किल सवाल ये देखिए, बॉयज के लिए देखिए एडवांटेज, देखिए मैथ्स है, 100 क्वेश्चन एक नंबर मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, और इंग्लिश और जीएस टोटल क्वेश्चन 120 और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 0.83, टोटल 3 पेपर मिल रहे हैं उनको स्कोर करने के लिए। अगर मान लो इंग्लिश में वो सिर्फ 60 स्कोर करें, 60 मार्क्स, जो कि अगर एक गर्ल के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम नंबर है, ठीक है, और सिंपल जीएस में 20 नंबर लिया है, जस्ट पास, ठीक है, और सिर्फ मैथ्स को ध्यान में रखें और वहां पर 50-60 नंबर लिया है, बेड़ा मतलब निकाल दिया उन्होंने, बेड़ा पार हो गया उनका, तो आई एम ए निकल गया, ओटी निकल गया, एफ ए निकल गया, ठीक है, वहीं जो ओटी की तैयारी कर रहा है, लंका लगी उसकी, 80 नंबर से कम तो कर ही नहीं सकता वो। अगर सोच के देखिए 120 क्वेश्चन करने पे 100 नंबर मिलते हैं 100% पेपर करने पे, ठीक है, अगर आपने 90 क्वेश्चन किए तो इसका मतलब 70 के आसपास आएंगे, राइट, तो इसका मतलब तो भैया इंग्लिश में कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये लड़का है लड़की जो भी हो ओटी की तैयारी कर रहा है। अब आप कह रहे हैं 3 महीने काफी है, देखिए 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 मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने IMA, AFA का तो पूरा पैटर्न अलग है, क्योंकि उसके अंदर मैथ इंक्लूडेड है, तो जो बच्चा उसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसका तो पूरा अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ही होने वाली है, ठीक है। वो अपने दिमाग में एक ये चीज ले रख के चलेगा कि भाई मुझे मैथ्स में हाई स्कोर मारना है, और जो मैथ्स को ऑप्ट करके पेपर दे रहा है उसके दिमाग में ये भी भाई उसका बैकग्राउंड मैथ्स का रहने वाला है, तो उससे प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी, बट स्टिल ऐसा मतलब नहीं है कि आपको तैयारी करनी नहीं है। लेकिन उसकी बात अभी करते हैं, बात आप ओटी की कर रहे हैं कि OTA में, और कट ऑफ भी अभी इस बार आप देख रहे हैं 100 प्लस जा रही है, लास्ट जो कट ऑफ थी जो अभी ऑफिशियल आई वो 97 अराउंड सम कट ऑफ आ रखी है, तो कट ऑफ उसकी भी 100 प्लस ही जा रही है, तो उस लेवल पे अगर कोई कर रहा है कि यार इंग्लिश में उसे 60 नंबर तो लाने ही लाने, 70 तो लाने ही लाने, तो बिल्कुल ये सच्चाई, अगर आप 100 नंबर का पेपर है आपका तो उसमें आपको मिनिमम अगर आप 60 प्लस नंबर आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ मेरिट में आने से पहले आप कट ऑफ में आएंगे, और सेम वही जीएस के साथ हाल होने वाला है, अगर आप जीएस में 40-50 अटेम्प्ट मार रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कट ऑफ इवन तो आप सिर्फ लिस्ट में आओगे जो कि रिटर्न क्वालिफाइड है, समझ रहे हैं पॉइंट को जी। तो इन द सेम वे अगर आपके पास 3 महीने हैं और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो हम जो तैयार कर रखे हैं, जिस पूरे कोर्स को जिस तरह से तैयार कर रखे हैं, उसमें वो पैटर्न ही ऐसा है कि बच्चे को रियलाइज हो जाएगा उसके अंदर कि जो वो पेपर पढ़ रहा है, जो वो टेस्ट देगा, क्या वो टेस्ट उसके एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले, क्या उन नोट्स को पढ़ने के बाद उस कट ऑफ के अंदर या फिर उस रिटर्न क्वालिफाइड की लिस्ट में आएगा या फिर नहीं आएगा। सर मैं यहाँ पर टोकता हूँ आपको, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको टोका, बट सर जरा सोच के देखिए, कोचिंग है एक ऐसी चीज
ठीक है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, हर इंसान के हाथ में होता है। मिडिल क्लास होते हैं तो कोचिंग ने धोखे भी बहुत दिए होते हैं, पैसे ले लिए समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो उनको इस चक्कर में थोड़ी घबराहट भी होती है। अब जरा सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ही का पैटर्न की बात करूं, जैसे आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने का पैटर्न बहुत सिंपल है, अभी 2 मिनट पहले बोला भी था मैंने, भाई तीन टॉपिक कराए, एकदम जमा दिया, पूरी तरह से पढ़ लिए, तुमने नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, पढ़ लिए तुमने, और तुम्हें सिंपल पास्ट ईयर पेपर सारे क्वेश्चन उठा के एक साथ दे दिए टेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद हाफ लेंथ का सीडीएस, मतलब अगर 120 क्वेश्चन आते हैं 60-50 क्वेश्चन का दे दिया, और ये पैटर्न रिपीट होना है, ये मैंने अभी जस्ट बोला था। अब सोच के देखो, कायदे में तो आपने पास्ट ईयर पेपर कराए या मॉक अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपको लग रहे हैं, बट सर सोच के देखो, यूपीएससी तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना भाई, यूपीएससी तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, या तो आपको पता है कि पास ईयर पेपर से कुछ मिल जाता है, क्या क्या सीन है ये? ओके, देखिए शुभम, आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई पास प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, तो सबसे पहली बात उसमें ये है कि उस प्रीवियस ईयर पेपर ने किसी एक बंदे का भविष्य डिसाइड किया है जो कि सिलेक्टेड है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या हम केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको देने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और क्या यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल जो आप कह रहे हैं, क्या रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते बट उसका पैटर्न एग्जैक्टली रिपीट होता है, ये श्योर है उस चीज का। आप अगर अभी सीडीएस का देखेंगे 2007 से क्वेश्चन उठे हुए, आईएएस के 1992-3-4 के पेपर्स आ रखे हैं एनडीओ सीडीएस में, आप समझ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते अगर आपने प्रॉपरली पेपर को एनालाइज नहीं किया है या फिर पेपर को आपने समझा ही नहीं, तो आप कह रहे हो यार ये तो पूरे अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है मामला। ठीक है, चलो अभी भी ना बात ना मोटी मोटी हवा में जा रही है, बहुत हवा में जा रही है, इनको बस समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ दी है और तैयारी हो सकती है, बस कुछ इतना स्कोर लाना है बस। ठीक है, अभी देखो सर, स्ट्रेट अवे पॉइंट आप मार्क करो, एवरेज भी मार्क कर दो तो भी चलेगा, पास्ट ईयर से आता कितना, पास्ट ईयर से जैसे आपको सिर्फ अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स पढ़ लिए, हाँ, सिर्फ पास्ट ईयर पेपर की बात बता रहा हूँ, प्रॉपरली पढ़ लिए, हाँ, ये नहीं कि सिर्फ आपने कोई एक पेपर उठाया 120 क्वेश्चन लगाया, लगाने के बाद आपका हुआ क्या, नहीं, आपको एक छोटा सवाल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया था, तो क्वेश्चन आया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्मड बाय विच वन ऑफ द एक्ट, तो उसके अंदर ऑप्शन मिला 1773, 1793, 1833, 1853। अब बच्चों ने किया क्या, सबको पता है 1773 है, लेकिन वो क्या किए, 1773 को पढ़ लिए और बस भाई काम हो चुका है, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं और बोलते हैं भाई पेपर इसमें से आया ही नहीं है। बट होता क्या है कि अगर आपने 1773 का पढ़ा है तो इसका मतलब आप पूरे 1773 के एक्ट को पढ़ो, प्लस जो तीन ऑप्शन गलत हैं उन पे भी फोकस करिए, क्योंकि इस बार वो गलत हैं, नेक्स्ट बार यूपीएससी उसको सही करके दे सकता है, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आपने देखा कि डायरकी का क्वेश्चन दो जगह आपको मिलेगा, एक 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि मॉन्टेग्यू चेस्टर रिफॉर्म कहते हैं, एक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो यूपीएससी ने सीडीएस एनडीए में दोनों में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इस पे क्वेश्चन उठे हुए हैं, और इवन दो अगर आप सिविल सर्विसेज के पेपर भी देखेंगे तो वहां पर ये सेम चीज उठी हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हाँ, जो गलत ऑप्शंस हैं उन गलत ऑप्शंस को ही यूपीएससी सही करके दे दे रही है। ठीक है, अब सर की बात जरा समराइज करते हैं, तो सर कह रहे हैं कि एक साल का पेपर मत करो, पहली बात सर, और टॉपिक, कोई टॉपिक करा उसके रिगार्डिंग जितने पास्ट ईयर है वो करो, उसे क्या हुआ सोचो जरा, सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि भाई वहां से तुम्हारी टेस्ट हो गया, क्योंकि पहले ही वही पेपर ने किसी का नसीब तय किया था, तुमने टॉपिक पढ़ के इस बात को कंफर्मिटी ले ली कि भाई मैं कर पा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, अगर शायद परसेंटेज, सर ने अभी भी नहीं बोली बट सर आप मेरी बात से एग्री करेंगे, 10-20 और मैक्सिमम 30% तक, आराम से 40% तक पास ये पेपर कई बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे इस बार हुआ है, क्या मेरी बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात, 2017 के आप तो अगर नोटिस करेंगे इस बार के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपने ऐसे बताया इंग्लिश के पेपर्स भी 2017 से रिपीट थे, हाँ हाँ बिल्कुल, 17-18 दोनों साल के अगर आप पेपर देख लो, मैच कर लो, आपको वही मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इस बात को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। बट सर एक बात करते हैं, चलो एग्जाम बैटल की बात करते हैं, एग्जाम बैटल कमाल का आपने डिजाइन कोर्स किया है, आपने पूरा फॉर्मेट ये बनाया है कि आप कंसेप्ट कराओ,
पास्ट ईयर पेपर कराओ, उसमें अपना मसाले का तड़का हुआ जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करो, फिर फुल लेंथ दो, फिर दोबारा ये साइकिल, फिर दोबारा साइकिल, ये दोबारा साइकिल। तो अगर सोच के देखो, ये 3 महीने में अगर बच्चा खुद भी करे तो ये कितने टाइम में, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि समय तो कम है, 3 महीने में तो नहीं पूरा करेगा वो, अन्य एग्जाम के दिन ही खड़ा हो जाएगा वो तो। जी देखिए, जो सिलेबस जिस हिसाब से पैटर्न ये तैयार किया गया पूरा स्केड्यूल इसका, ये अराउंड 20th of March तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सीडीएस का कंप्लीट, और अराउंड 25th of March से 5 अप्रैल तक ये जो 10 दिन रहेगा, रेगुलरली डेली आपको फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा एग्जैक्टली उसी टाइम पे जैसे पेपर होता है। पेपर का टाइम होता है 9 से 11, 12 से 2, तो इसी हिसाब से आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको टेस्ट मिलेगा। तो अगर आपका पेपर सपोज 25th of March से स्टार्ट हो रखा है, तो 25th of March को आपको पेपर अटेम्प्ट करना है सीडीएस 1 2021, उसमें आपको इंग्लिश उसी टाइम पे मिलेगी, आपको जीएस उसी टाइम पे मिलेगी और मैथ उसी टाइम पे मिलेगी, और फिर उसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। मतलब ये जो 10 दिन का रगड़ा होगा ना, ये आपके डिसाइड करने वाला है। अक्सर होता क्या है बच्चे, 1-2 महीने पहले एक पूरा कर कुरा के बैठ जाते हैं, लेकिन जो मेन प्रिपरेशन का समय होता है वो होता है एग्जाम के जस्ट जो आपके 10-15 दिन पहले होते हैं ना, वो एक शॉर्ट होता है। तो 5 अप्रैल तक यू विल बी कंप्लीट रेडी, आपको पूरा एग्जाम का फील रहेगा ओएमआर शीट के साथ, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा चीजों का क्या कि करना कैसे है। ठीक है, ये इंसान खुद भी कर सकता है, बट आपने उसके लिए पूरा सेट कर दिया प्रोसेस, ठीक है। बट सर आप सारा सोच के देखो, आपने जो पूरा प्रोसेस बताया ना, ये इंसान का कुत्ता बना देगा। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट इंसान का कुत्ता बना देगा। मैं दोबारा ध्यान दिलाता हूँ, अगर आप खुद भी कर रहे हो, आपने पढ़ा, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, अगर खाली आप जीएस को देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, उसके बाद सेंसस, उसके बाद अगर 2-3 और डिफेंस करंट अफेयर, टोटल मिला के 10 टॉपिक हैं, उसके बाद मैथ्स ले लो 11, उसके बाद इंग्लिश ले लो 12, और उसमें भी एक सेक्शन और बढ़ा दो वो कैप्स ऑन इंटोनिम्स, तो 13, इतने तो एक सेमेस्टर में भी यू नो वो नहीं होते सब्जेक्ट्स, 5 होते हैं मैक्सिमम। अगेन मैं दोबारा फिर से पूछ रहा हूँ सर, 3 महीने इज इट पॉसिबल 13 सब्जेक्ट्स हैं कायदे में देखा जाए तो? और सच्ची में बता रहा हूँ, अगर जिस तरह से आप कर रहे हो, ये हर सब्जेक्ट के लिए होगा, हर टॉपिक 3 टॉपिक कराए, फिर टेस्ट, फिर फुल लेंथ का टेस्ट, ठीक है, और ये हर टॉपिक के लिए हो रहा है पैरल, राइट, कुत्ता बन जाएगा, खुद भी करेगा तो भी कुत्ता बन जाएगा, थोड़ा आपसे करेगा थोड़ा कम बनेगा, बट कुत्ता तो बनेगा ही बनेगा। राइट राइट, देखिए अब इसका बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। पहली बात है, आप प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो, आपको WHY पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप वाई पता है तो चीजें बढ़ेंगी, और आपने बोला कुत्ता बन जाएगा, तो मैं आपसे एक बहुत, आपने कहा कि ठीक है लैंग्वेज जैसी थी, तो मैं भी बता रहा हूँ शुभम, अगर इंसान कुत्ता भी बन जाएगा ना तो भी बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि कुत्ते जैसा उसका टेंशन भी हो जाए ना तो भी बहुत काम बन जाने वाला है प्रिपरेशन में। और रही बात आपने बोला हेक्टिक 3 महीने, तो मैं खुद एक्सेप्ट करके बोल रहा हूँ कि 3 महीना बच्चे के लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है। सर हर दिन प्रेशर है, सर हर दिन प्रेशर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी आपको मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट भी समझाऊंगा। आप सोच के देखिए, अगर 3 महीने उसका बहुत ही हेक्टिक होके उसके आने वाले 30 साल सेट हो रहे हैं, तो क्या वो 3 महीने हेक्टिक नहीं हो सकता? सर 3 महीने कुत्ता बन के अगले 30 साल शेर बनाया जा रहा है, तो क्या 3 महीने कुत्ता नहीं बन सकता वो? आप मुझे बताइए। देखो सर, एग्जाम बैटल का लिंक तो इन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको शुभम एक काम करते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आखिर होगा क्या अगर कोई एनरोल कराता है, और आखिर है क्या जिसमें, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप सबसे पहले स्केड्यूल पे जाइए, आपने ऐप डाउनलोड करके आप जैसे स्केड्यूल देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि डे बाई डे बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें डिजाइन हो रखी है, और ये केवल ऐसे नहीं कर रखी जो मन में आया कर दिया है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे डिजाइन कर रखी है मैंने, ठीक, हमारी टीम ने कर रखी है उस चीज को। अब हुआ कि जैसे 1st of January से कोर्स स्टार्ट हो रखा है, 1st January को आपको पॉलिटी का एक मॉक मिलेगा, 1st January से 2 दिन पहले आपको नोट्स मिलेगा। सपोज मैंने पॉलिटी में पहला आपका टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, प्रीएम्बल, ये 3 टॉपिक उठाए, ठीक है। अब इन 3 टॉपिक का आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा 2 दिन पहले, मतलब 30th of December को आपको मिलेगा। आपके पास 2 दिन है, आप प्रॉपरली तैयारी करिए, पूरा नोट्स पढ़ डालिए। नोट्स पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक ये तो आइडिया होना चाहिए कि जो पढ़ा है क्या उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो 1st January को आप पूरा 20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, आप अटेम्प्ट करिए, और जिस दिन आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे इन द सेम डे आपको जो अगला मॉक होने वाला है उसका नोट्स मिल जाएगा। सपोज अगला मॉक है आपका ज्योग्राफी का, जो कि शेड्यूल रखा है 4 January को,
तो उसके अंदर टॉपिक्स क्या है, मान लो मैंने टॉपिक दे दिया सोलर सिस्टम का टॉपिक, बस सर बस 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 मैं समझ गया, आने भी समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। मैं रियली सॉरी, मैंने आपको टोक दिया, बट मैं शर्त लगा रहा हूँ, घबराहट तो सर हो गई होगी इन्हें। अब मैं जरा आपको ना थोड़ी आपकी स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ। याद है जब मैंने आपसे इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने आपसे कहा था सर 3 महीने काफी है? अरे शिवम बहुत है, काफी है, हो जाएगा आराम से। अब देखो सर, मैंने अपनी बात को यहां तक कंक्लूजन पर लिया है कि हैक्टिक और प्रेशर दोनों कुत्ता तक बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना सर। चलो सर, मैं थोड़ा ना इसको और घुसाता हूँ। अभी ना हमने मोटी मोटी जीएस की बात की है और थोड़ी बहुत शेड्यूल की बात की है, थोड़ा और घुसते हैं जरा। देखो सर, कोचिंग के पास ना मजबूरी ये होती है कि जब इंसान पैसे लेता है ना तो उसको सब पढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है, देना भी सब कुछ पड़ता है। पर मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर जीएस क्वालिफाई करना है तो पूरे 10 के 10 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब पढ़ने जरूरी है? नहीं, आई विल नॉट से कि आपको हर एक टॉपिक सबका पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो बच्चे को डिसाइड ये करना है कि उसकी फील्ड क्या है। उसकी फील्ड सपोज कोई ह्यूमैनिटीज फील्ड से या कोई साइंस फील्ड से, तो साइंस फील्ड को पहले ये देखना पड़ेगा कि वो अपने जो मेरिट वाली सब्जेक्ट है उसको देखे, भाई उसकी मजबूती है किस पे। तो साइंस वाले बच्चे के लिए इजी क्या होने वाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये 3 सब्जेक्ट उसके फेवरेबल है। और अक्सर होता है इसके उल्टा है, जो आपको आता है उस पे फोकस नहीं करता और जो नहीं आ रहा होता उस पे इंसान रोता है। वही सेम चीज होती है यहाँ पे। तो अगर बच्चे को आ रहा है वो साइंस फील्ड से, तो फोकस करे वो साइंस वाले चीजों पे। ये मतलब नहीं कि बाकी ह्यूमैनिटीज छोड़ दे। और सेम वही सेम चीज है, आपका कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है तो पहले ह्यूमैनिटीज देखे, जो उसका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, जिस पे उसका बेस बना हुआ है, पहले उस पे फोकस करे और साइंस सेक्शन को थोड़ा सा दूर रखे। क्योंकि सच्चाई ये भी है, अगर कोई ह्यूमैनिटीज फील्ड से है उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे वो नहीं कर पाएगा, जिसने पोल साइंस पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। बहुत पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए सर, मैं आपकी बात को टॉस करना चाहूंगा, मैं अगेन माफी चाहता हूँ, मैं बहुत सवाल पूछ देता हूँ ऐसे। बट सर जरा देखिए, साइंस में आते हैं टोटल 33 क्वेश्चन, करंट अफेयर 28 क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं। हाँ ठीक है, अराउंड 30, मतलब ऐसे ये 28 to 33 तक का रेंज रहता है। 30 हाँ जी, तो 30 पकड़ लेते हैं, ठीक है 30 हमने पकड़े। 16 से लेके 20 तक के बीच में करंट अफेयर आते हैं, दोनों को अगर प्लस कर दो तो अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ इसी फील्ड से आ जाते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, हम एक लड़का क्रिएट करते हैं, बच्चा वो है इकोनॉमिक्स से, ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स से, और एक लड़की क्रिएट करते हैं जिसकी ग्रेजुएशन है बीएससी और उसने बायोलॉजी कुछ करा है, या नर्सिंग वर्सिंग कुछ ऐसे करके आई है, लग गई लंका यही। अब देखिए, मैंने मैंने इसलिए पहले दो बोला, मैंने पहले कहा साइंस फील्ड वाला, आर्ट्स फील्ड वाला, कॉमर्स फील्ड से जो होता है उसको प्रॉब्लम होती है। कॉमर्स के असर यहाँ बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाला भी फंस गया। हाँ, कॉमर्स मतलब अगर कोई बीकॉम करके आ रहा है या फिर कोई बायो से करके आ रहा है तो उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर कोई बीकॉम वाला बच्चा सीरियस एग्जाम को निकाल रहा है प्रिपरेशन करके, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि हाँ, बंदे का पूरा फील्ड अलग थी, अकाउंट्स पढ़ा, बिजनेस पढ़ा और सीधा वो ह्यूमैनिटी साइंस पढ़ के उसने एग्जाम निकाल रखा है। तो ऑब्वियसली बात है, लंका तो लगती है। लेकिन अब उस सेम वही चीज आती है, उसकी स्ट्रेंथ है कहाँ पे? इकोनॉमिक्स उसकी स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर वो करंट अफेयर्स के सेक्शन पे फोकस करता है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आपने कुछ टॉपिक्स बोले, सेंसस से रिलेटेड बोले, अगर वो इन सब चीजों पे फोकस करता है मेजर पार्ट, तो बातें उसके लिए बन सकती है। बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूंगा कि साइंस पढ़ना बंद कर दो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज में कुछ पढ़ो ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि साइंस मतलब सपोज हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एंशियंट मेडिवल हटा दो, मॉडर्न की कुछ स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ लो। अगेन ये सिर्फ टॉसिंग वाली बात होगी, पेपर नहीं आया तो नहीं आया, नहीं तो मॉडर्न पढ़ के गए, पूरा का पूरा एंशियंट से पेपर आ जाएगा। तो ये चीजें रहती हैं। तो पढ़ना तो आपको कहीं ना कहीं टच पूरे टॉपिक्स करने पड़ेंगे ही। देखो बात सर सही कह रहे हैं और ये बात समझनी चाहिए। देखो अगर तुम हिस्ट्री इस बार उठा के देख लोगे ना, हिस्ट्री से आए 20 क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा यार हिस्ट्री हिस्ट्री आई है पूरे पेपर। अगर तुम्हारा सेट ए आया था सीडीएस का, तुम्हें लगेगा पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री आई है, कुछ और आया ही नहीं। 2018-19 का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें लगेगा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आई और कुछ आया ही नहीं है। जैसे ही 20 क्वेश्चन आते हैं सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, भाई पूरे पेपर में वही आया। समझने की बात यह है कि यस ऑन एवरेज, और इस बार एक बात और हुई थी, क्वालिटी में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर इंसान कोई भी करेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें करेक्ट आंसर था ही नहीं, रॉन्ग थे वो, रॉन्ग थे 3 क्वेश्चन। और ऐसा पहली बार नहीं है, मतलब कई बार हो चुका सीडीएस के पेपर में। अब सोच के देखो, पॉलिटी तुम पढ़ के गए, तुमने इकोनॉमिक्स छोड़ दी, ठीक है, फिर ज्योग्राफी उठा ली, तो 3 क्वेश्चन तुम आ गए सारे, तो तुम फिर भी नहीं करके आए होगे। तो लंका तो लगी है तय।
चलो थोड़ा ना बायफिकेशन कर देते हैं, मैं तो आपको बता देता हूँ सर, मेरी बात से अगर एग्री हूँ तो आप बता दीजिएगा। साइंस हम बता चुके हैं 30, करंट अफेयर 16, 17 हो गए आपके, इकोनॉमिक्स 15, हिस्ट्री 15, 16, ज्योग्राफी 15, 16 अगेन, करंट अफेयर तो मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ, सेंसस के 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं, ठीक है, और आई थिंक सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये सभी टॉपिक्स अगर इंसान, फिर से बोल रहा हूँ, 3 महीने में करे, हो सकते हैं, क्योंकि हैक्टेक आपने बताया कुत्ता बन जाएगा। ये प्रेशर झेलना कैसे है सर? देखो AR1 रैंक का नोट्स भी लिया हो ना उठा के, जो उसने खुद हैंडमेड बनाए हो, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ये भी बात आपसे कह रहा हूँ, ये कोई AR1 में मैं खुद कह रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप केवल नोट्स बन लो और पढ़ने के बाद आप सोचो आपका पेपर निकल जाने वाला है। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं है प्रॉपर उस चीज से रिलेटेड में, तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। और प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस प्रेशर को भी हमने उस जितना मिनिमम हो सकता है हमने उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रखी है। नहीं सर देखो, आपने बनाया बहुत अच्छा है क्वेश्चन, अगर आपने कोई पास करके दिया है तो साफ साफ, मान लो टेस्ट दिया है कोई, टेस्ट का जब सोल्यूशन दिया तो साफ साफ दिखाया, देखो भैया ये क्वेश्चन NCERT के फलाना पेज से यहां से आया, देखो ठीक है। हाँ, अभी आपको एक चीज और बताऊं मैं, जैसे CDS 2021 का जो पेपर है GS का, हाँ, उसमें हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन NCERT से उठा हुआ है। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप अगर प्रूफ देखेंगे, मैं एग्जैक्ट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि NCERT के कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर से, कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन उठे हुए हैं। आप फ्री मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि आखिर ये उठा कहां से हुआ है। तो NCERT तो इज लाइक अ होल सोल थिंग, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। अब डिपेंड ये करता है, बच्चे जोश में आके 6 से स्टार्ट करते हैं NCERT, भाई हमें 6 से पढ़ना है पूरा, तो 3 महीने में क्या, 3 साल ले लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर आपने ये सोचा कि मैं 1 by 1 सब कुछ पढ़ने पे आऊंगा। और रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर भी किस तरह से हुआ है कि अगर आपको किसी पेपर में 2 दिन का समय मिला हुआ है, ठीक है, आप नोटिस करेंगे, आप जो स्केड्यूल को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि क्या हो रखा है, पहला पेपर 1 को है, दूसरा 4 को है, फिर थोड़े दिन बाद हमने क्या किया है, जो गैप है 2 दिन का, उसको 1 दिन का किया है। क्यों? थोड़ा सा प्रेशर आए बच्चे के ऊपर कि हाँ भाई, जो हम 2 दिन बाद पेपर दे रहे थे अब उसे तुरंत देना है हमको, यू गेटिंग माय पॉइंट। और फिर हमने थोड़ा सा डायनेमिक बनाया, जो पहला 3 पेपर सपोज हमने ले लिया हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का, जो 4th पेपर होगा वो हाफ लेंथ मॉक होगा 50 questions का, और 50 questions में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, जिससे आपको ये रियलाइज हो कि भाई एग्जैक्टली जो आपने नोट्स पढ़े हुए हैं या जो आपने मॉक अटेम्प्ट किए, क्या वो रियली में आपके बेनिफिशियल है या भी नहीं है। और वो तभी आप श्योर कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर में उस नोट्स को देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा ही नहीं होने वाला कि आपको 3 humanities ही मिलेगा, उसके बाद ये भी आप शेड्यूल में देखेंगे, पहला आपको हिस्ट्री मिला, सिविक्स मिला, फिर केमिस्ट्री डाल देंगे, तो फिर आपका जो 4th mock होगा हाफ लेंथ, उसके अंदर डायनेमिक डायनेमिज्म पूरा आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ह्यूमैनिटीज साइंस सब मिक्स करके उसमें इस तरह से तैयार किया है, आप जब शेड्यूल को देखेंगे आपको रियलाइज होगा। नहीं सर, मुझे इस बात की पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका जो पूरा पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि इट्स नॉट अ कोर्स कि भैया वीडियो बना के दे दी, जा देख ले, उसके बाद पास के पेपर है, मॉक कर लिए, हो जाएगा ना। हर चीज क्रॉस चेक है, हर चीज में बनना कुत्ता है। अगर आप एनरोल हो गए सर के साथ तो आपको पता लग जाएगा। यू हैव टू हैव बी डिसिप्लिन ओवर देयर एंड यू हैव टू कंसिडर दिस, यू नो, प्रेशर टाइम टू बी अ लग्जरियस पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि 3 महीने, सिर्फ 3 महीने और 30 साल आराम, 30 साल पूरी यूनिफॉर्म पहनो, वरना फिर ये 3 महीने गए, फिर अगले 6 महीने जाएंगे, कहानी हमेशा वही रहेगी, फिर 3 महीने रिपीटेशन वही रहने वाला है, रिपीटेशन वही रहने वाला है पेपर्स का आपका। आप आज पढ़ोगे, जो आपको कल पढ़नी चीज बेटर है वो आज पढ़ो। और आप ये भी सच्चाई, आप सोचो 3 महीना तो बहुत है, तो मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, एक बार आप अपने से पढ़ के देखो 3 महीने, आपके 3 महीने हवा में बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप कोई भी हाँ नहीं, मैं यही कहना चाहता सर, देखो 2 तरीके हैं, एक तो या तो तुम अभी डिसिप्लिन हो जाओ या UPSC से शादी कर लो, मतलब इस बार अभी नहीं हुआ फिर अगली बार नहीं हुआ तो उसकी अगली बार, जब तक नहीं होगा तब तक देते रहो, तुम्हारी यूपी से शादी हो चुकी और ये फिर तलाक हो जाएगा, तब फिर तुम इंतकाम भी नहीं ले सकते इससे कि भैया तुमने मुझे धोखा दे दिया, ना धोखा तुमने खुद के साथ किया है। और फिर यार मोरलाइज, जो इंसान का मोरल होता है ना, एकदम नीचे दब जाता है ना, तो घर वाले विश्वास करते भाई आज तक तुमने कुछ निकाला नहीं। तो ये डिसिप्लिन और ये कुत्ता बनना, अगर तुमने लग्जरियस नहीं देखा तो खत्म है, डेडलाइन है। फौज हमें, मतलब सोच, देखो फौज कितना हिप्नोटाइज कर देती है सर, मैं कई बार आश्चर्य करता हूँ, -50°C टेम्परेचर में रहता है सिपाही, और वहां जाकर वो ऐसा दिखाता है, पता नहीं कौन सी जन्नत है वो, कौन सी खूबसूरत जगह है, और हम वही जिंदगी जीना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वो प्रेशर को भी एंजॉय करते हैं।
कमाल है सर। सर अच्छा चलिए ये बात होगी, ये तो बात जीएस की हुई है, वी स्टिल लेफ्ट विद द टॉक विद इंग्लिश एंड मैथ्स। चलो इंग्लिश में सर क्या करोगे आप, इंग्लिश में तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी से उठ के लाइन आ गई स्पॉटिंग एरर की। नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा इंग्लिश में, आपने कहा एनसीईआरटी से नहीं उठता, लेकिन अगेन आप शुभम इंग्लिश का पेपर देखेंगे तो वो पूरा प्रेडिक्टेबल होता है पेपर। पैरा जंबल्ड आपको पता है आने ही आने, रीअरेंजमेंट आपको पता है आने ही आने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पैरा जंबल्ड के लिए अगर आप सोचो कि भाई हम सर्टेन रूल्स पढ़ेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके साथ हम कोई सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट लाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि सच्चाई है। तो अब उसको हमने कैसे अरेंज कर रखा है, देखिए जैसे आपने पेपर दिया एक को, चार को और छह को आपने लास्ट पेपर दिया, तो जो छह को पेपर आपने सपोज देते हैं हिस्ट्री का दिया, तो उसी दिन आपको इंग्लिश का भी मॉक देना पड़ेगा 20 क्वेश्चन का। अब अगर इंग्लिश का मॉक है तो इंग्लिश का मॉक ऐसा नहीं होगा कि फुल लेंथ आपको 120 मिलने वाले, नहीं। जैसे आपने तीन मॉक दिए, सपोज आपने पहला हिस्ट्री दिया, दूसरा ज्योग्राफी दिया, तीसरा हिस्ट्री दिया, तो जब तीसरे दिन आप हिस्ट्री देंगे उसी सेम दिन आपको इंग्लिश का भी मॉक देना पड़ेगा जिसमें 20 क्वेश्चन हम डाले हुए, ठीक है। हम टॉपिक आपको बता देंगे कि वो जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो सपोज स्पॉटिंग एरर से रहेंगे, तो ये स्पॉटिंग एरर नहीं कि पूरा मिक्स रहने वाला है, स्पॉटिंग एरर में भी हम स्पेसिफिक बताएंगे कि नाउन के टॉपिक के स्पॉटिंग एरर्स आपको मिलने वाले हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पेसिफिक होके हां, बड़े धोखा हो जाता है सर, एक मिनट, ये धोखा हो जाता है भैया। नाउन का स्पॉटिंग एरर तो कहीं थोड़ा देखना, नाउन में देखना है कहानी खत्म हो गई, हो गया मार्क। मुसीबत तब आती है सर जब मिक्स आता है। तो अभी देखिए आपने कहा कि हमें 3 महीना तो है ना मेरे पास, हां 3 महीने में बिल्डअप हो रहा है वो, फिर जो नेक्स्ट मॉक होगा उसके अंदर प्रोनाउन आएगा, तो पहले 500 स्पीच खत्म करेंगे हम और वो नोट्स देके करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मिल रहा है नाउन का पहले नोट्स दिया, उसके अंदर टाइप्स ऑफ नाउन सारे समझाए, तो एक बार जब 500 स्पीच हुआ तब जो स्पॉटिंग एरर होगा वो पूरा मिक्स होगा और उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डालेंगे। आप समझ रहे मेरे पॉइंट को? सर एक बात बताओ, फिर तो रैन मार्टिन जैसी चीज है, रैन मार्टिन या हमारे पास एसपी बख्शी जो भी होती है किताबें या पैरामानव नीतू सिंह, वो भी तो वो हमारा पैटर्न वही फॉलो कर रही हैं। अगर सोच के देखें हमारे इसमें चेंज क्या हुआ, क्योंकि आइए देखो आपने सीडीएस का एक तो वो उठाया पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, दूसरा आपने कंसेप्ट्स पढ़ा, ठीक है, दोनों को आपने प्रेजेंट किया सर, बट कितना करेगा इंसान, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये डर गए आप समझो मेरी बात, हमने पहले ही कुत्ता बता दिया इन्हें, ठीक है, ये घबरा गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, पैथो लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, बट सर सच्ची में आप ये घबरा गए। सो व्हाट इज द की ओवर हेयर टू मास्टर द इंग्लिश, क्योंकि सर एंड नहीं होती है प्रैक्टिस की, तो आपने कह दिया गणित के 50 क्वेश्चन और कर ले, हो जाएगी महारत, अभी क्या? देखिए अब इंग्लिश में आपको पीएचडी नहीं करनी है, पहला पॉइंट एक ध्यान रखना है। हाँ, आप 10 किताब पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं होने वाला उस चीज का, ठीक है, हर एक किताब का पैटर्न सेम होता है। मैंने पहले कहा इंग्लिश का पैटर्न अलग नहीं होता, सेम ही होता है, लेकिन किसी भी किताब में ऐसा पैटर्न नहीं होता कि पहले मॉक आपसे प्रैक्टिस कराया जाए, मॉक प्रैक्टिस कराने के बाद आपको ये रियलाइज करवाया जाए कि जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है इन्हीं टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन में भी सवाल उठे हुए हैं। पॉइंट आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप समझो, यहां पर सर स्पेसिफिक मेहनत करा रहे हैं, नाउन कराया, अब दिखा दिया, देख स्पॉटिंग एरर, यहां से सीडीएस के फलाना पेपर में फलाना कंसेप्ट आया हुआ है, exactly. तो अगर तुम्हारी बुद्धि में वो कंसेप्ट बैठ गया तो तुम कर गए। अगर सर को ज्वाइन भी करो तो नाउन तुम पढ़ रहे हो, खाली नाउन ढूंढ के मार्क मत कर देना, वो देखना वो सीडीएस का क्वेश्चन छपा छपाया वहां से वहां दिख जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मिलेगा। हाँ, जब टेस्ट देंगे तो मॉक में मिलेगा, मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान समझो, सीडीएस के पेपर में ज्यादातर लोग जो गलतियां करते हैं वो स्पॉटिंग एरर है, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ गलतियां और रीअरेंजमेंट ऑफ पैरा और वोकैब में सुनाने इंटोनेंस और इडियम फ्रेजेस, ये 5 टॉपिक तुम्हारे नंबर घटा घटू के 60 के आसपास पहुंचा देते हैं। इफ यू फॉलो द डिसिप्लिन ओवर देयर व्हाट सर इज टेलिंग यू, या तुम खुद भी किसी तरह से, खुद तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो यू कैन एक्सेल इट, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। मैं आपकी बात इंग्लिश की समझ गया, बट सर यहां से ना एक कदम और बढ़ाता हूँ, लास्ट इज मैथ। कहने के लिए हमने शुरुआत में बड़ी आसानी से कह दिया कि यार मैथ्स तो एज एन एवरेज है, एक नंबर का एक नंबर मिलता है हर क्वेश्चन में, 0.17 ज्यादा मिल गया तो आराम से बच्चा निकाल लेगा, पर सर मैथ्स में कई बार 20 नंबर नहीं बन पाते बच्चे, 20-30 नंबर नहीं बन पाते, और जबकि पेपर 2 हिस्सों में आया हुआ है, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक, दोनों अराउंड 50-50% है। एडवांस मैथ में सिर्फ 4 टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, खत्म।
8 मैटिंग में पूरे 8-9 टॉपिक। अब आप मुझे को बताओ सर इसमें क्या है, सारे टॉपिक जैसे जीएस में बैठ के कराएं 10 के 10 वही कराओगे, या मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ कराओगे तो आप सारे को तो मुझे भी पता है, बट अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, सारे करने हैं या अर्थमेटिक कोई जोड़ लगाना है या क्या करना है? अगेन अगेन शुभम, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि जिस तरह से इंग्लिश का पेपर आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैथ का पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। रीजन बीइंग कि अगर सपोज आपने कहा अर्थमेटिक में 8 टॉपिक है, मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक उठाता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आप मेजरली देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कल 4-5 लग रहे हैं। एक बार टाइम को कॉन्स्टेंट क्या, स्पीड कॉन्स्टेंट की, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट क्या, फर्क ये हो जाता है कि जो पेपर आता है सीरियस में उसका लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना एक ही बार है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लगाने हैं आपको, मुद्दे की बात यह है। चलिए सर, आप समझ रहे हैं? हाँ, अब तो एक सपोज सवाल... अगर आपने किया है तो उसका होगा कैसे, आपको ये बताता हूँ। हाँ। तो होगा क्या, जिस तरह से आपका इंग्लिश है, हाँ, उसी सेम तरीके जो आईएमए के बच्चे रहेंगे, उनको 20 क्वेश्चंस इनिशियली, पहले 10 क्वेश्चन हम देंगे, सपोज टॉपिक हमने एवरेज का उठाया तो पहले एवरेज का सिंपल नोट्स देंगे। अब अगर बोलो क्या सिंपल नोट्स पढ़ने के बाद उसका कल्याण हो जाएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट सिंपल नोट्स पढ़ने के बाद उससे ये रियलाइज हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर कितने मैक्स टू मैक्स फॉर्मूले लगने हैं, इसके अंदर मैक्स टू मैक्स कितने कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने के बाद उसी सेम टॉपिक्स पे, उसी सेम नोट्स के ऊपर वो मॉक अटेम्प्ट करे, मॉक अटेम्प्ट करने के बाद उसे ये रियलाइज होगा कि आखिर मैंने पढ़ा क्या है पीछे, और जब ये कर लेगा तो प्रीवियस ईयर मॉक उसे मिल जाएंगे, जिस तरह तक ये रियलाइज होगा कि भाई जो मैंने नोट्स में पढ़ा है और जो मैंने मॉक लगाया क्या वो बेनिफिशियल है, और ये तभी क्रॉस वेरीफाई हो पाएगा जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक से देखेगा। ये आधी कहानी है, मेरी बात ध्यान सुनो। क्वेश्चन है 100, टाइम है 120 मिनट, 100 से मतलब 120 मिनट का मतलब कि हर क्वेश्चन को एक मिनट कुछ कुछ सेकंड्स देने हैं, 10-15-20 सेकंड कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है? अब तुम समझो, सर ने पहले बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब इसका मतलब है कि एक मिनट 15 सेकंड के अंदर वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। देखो मेजर गलती लोग क्या करते हैं, मैथ्स करिए आरएसवाल से, किताब अच्छी है, नो डाउट सर भी मानेंगे, सर ने भी रेफरेंस के फॉर्म में तो यूज किया ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? अब यहां पर जब वो किताब लगा ली तो उसके बाद क्या टाइम शॉर्ट कर पा रहे हो तुम, क्योंकि हर क्वेश्चन को तो स्कैन करके देखना ही पड़ेगा ना, हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है पर हर क्वेश्चन स्कैन करके देखना तो जरूर पड़ेगा, और तुम सोच रहे हो कि लगा रहे हो फिर उसमें दिमाग लगा रहे हो, अच्छा यहां पर अब ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, नहीं, टाइम निकल जाएगा। यू नीड टू पिक आउट 260-270 क्वेश्चन एग्जैक्टली जो आपके नंबर उठा सकते हैं, और तब वही हो सकता है जब आप क्वेश्चन देखा आंसर पता है। और सर एक बात बताओ, मैथ्स का पेपर कितना रिपीट होता है? मैं तो 100% कह सकता हूँ। What's your belief on that? मैथ्स का पेपर जो होता है रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं कहूंगा, नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, पर रिपीट 100% हमारे लिए कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन सर ने कहा कॉन्सेप्ट, जरा थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं सर की बात में। सर एक बात बताइए, हर चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं या कॉन्सेप्ट के पैटर्न्स होते हैं, अगर मैं और स्पेसिफिक करूं तो क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं? बिल्कुल पैटर्न रिपीट होते हैं। आप समझे, अब टाइम एंड वर्क तुमने किया, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट है, ए प्लस बी का कितने टाइम में काम करेंगे वो सिमिलर फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर तुम उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, अपने टाइम की जो स्पीड है उसको नीचे बॉइल डाउन करके स्मॉल नहीं कर रहे हो, गया मैथ्स, खत्म। अक्सर होता बच्चों के साथ यही है, जैसे उनका फेवरेट टॉपिक है, मान लेते हैं कि उन्हें टाइम, जैसे आप बोलो टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क पे अच्छा खास समय बिताने लग जाते हैं वो ये नहीं देखते कि एडवांस मैथमेटिक्स भी बची हुई है, या अर्थमेटिक्स में और भी टॉपिक्स हैं जहां से वेटेज उठता है, आप समझ रहे हैं पॉइंट? तो होगा क्या कि आपने एक बार अगर टाइम एंड वर्क लगा लिया तो उस पर अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो वो ऐसा नहीं होने वाला, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा या कोई भी मॉक मिलेगा वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा आपने एक बार अटेम्प्ट किया दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते उसको, नहीं, अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया उसके बाद जब तक आप चाहो उसे दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या होगा कि बार बार बच्चा उसको अटेम्प्ट करता रहे, उसे रियलाइज होता रहे, सोल्यूशन को देखे, वो सोल्यूशन देखने के बाद वो उसे और अच्छे से समझे, तो ये पैटर्न जब रिपीट होगा उसके साथ मैथ्स में तो उसे कहीं ना कहीं एक एक रिलेट करने लगेगा टॉपिक से कि हाँ मैंने सारे टॉपिक्स टच कर रखे हैं और हर एक टॉपिक का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हुआ है और फुल लेंथ, तो उसको आपको मार्च में सारे एक साथ मिली जाएंगे सेम पेपर के टाइमिंग के साथ। कमाल की बात है, सर ने एकदम बारीकी से बात बोल दी है। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये तो हमने सीडीएस की बात कर दी, एफकेट की तो तैयारी चल रही होगी, नोटिफिकेशन तो चल रही है, सीडीएस का आ गया इसलिए हमने वीडियो बना दी फटाफट,
ठीक है, अभी एफकेट की पैरल चीज क्या होगी, शॉर्ट में बताइएगा सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ जीएस को छोड़ दें तो बाकी मतलब जीएस को छोड़ दो, रीजनिंग को छोड़ दो, पूरा सिलेबस सेम है, पर वहीं एफकेट में पूरा का पूरा जीएस छोड़ना होता है क्योंकि मार्क्स लेकर आने हैं तो। ओके, अब ये जो एफकेट का जो होता है आपका पेपर होता है, एफकेट के पेपर में आपको पता है कि सिर्फ मेजरली अगर तीन सेक्शन आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल, इसका पेपर रीजनिंग का तो पेपर मैक्स टू मैक्स रिपीटेड होता है, स्पेशली नॉन वर्बल का सेक्शन जो होता है। आपको श्योर पता है कि सीरीज के क्वेश्चन, एम्बेडेड डायग्राम के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके साथ, तो आपको कहीं ना कहीं एक नॉन सिलेबस पता हुआ है एफकेट का, और सेम जीएस का पैटर्न आता है। जो एफकेट की जीएस होती है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होती है, उसके अंदर आपको ये नहीं करना है कि पूरी की पूरी रामचरित मानस लेके बैठना है। अगर आप सपोज हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये नहीं वन बाय वन पढ़ो, आपको पढ़ना क्या है, मेजर रूलर्स आपने पढ़े, उनके कुछ मुख्य काम, आर्किटेक्चर आपने पढ़ लिए, लिटरेरी वर्क मेन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट बैटल्स आपने पढ़ लिए, आपका काम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ लिया आपने, इतना आपके लिए काफी हो जाने वाला है। अगर आप एफकेट का पेपर देखेंगे सेम वही ज्योग्राफी में वन लाइन स्टैटिक चलने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एफकेट के लगा रखे, जितने ज्यादा मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेजर फोकस करिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने पे। आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न है क्या, आप आराम से 200 प्लस क्लिक कर जाओगे, बिल्कुल और श्योर आप कर जाओगे। बिल्कुल, अब तुम्हें समझना है कि पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्ट कहां से मिलेंगे और वो कंसेप्ट करो, खत्म, पास्ट ईयर पेपर लगाओ, खत्म, एफकेट निकल गया, खत्म। सीडीएस में 20-30% का आपका एवरेज बन गया, वो 20-30% आपका पेपर तो निकलवा ही देगा, थोड़ी मेहनत तुमने और करी तो एग्जाम और आराम से निकल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। एग्जाम बैटल का लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट याद रखो यार, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज जो 3 महीने के अंदर होगी वो इंपॉर्टेंट है, पर 3 महीने को प्लीज स्ट्रगल मत समझो, वरना बहुत दिक्कत होगी, नहीं निकलेगा। एंड प्रायोरिटी रखो, नॉर्मली एक दिक्कत और होती है सर, आपने पता नहीं डिस्कस सर करने जा गई, पर यार पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बन जाता है, दिन खत्म हो रहा है फिर वो कर रो, नहीं, दिन की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी वही होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच सर, अगर आप ना होते ना तो ये इतनी कहानी आती नहीं कभी। एंड थैंक यू सो मच, ऑल अर्जेंट दिस इज यू गेम सर, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सर, जय हिंद सर, ओके जय हिंद सर। मैं उनको रोज सोचता हूं, मैं उनको रोज सोचता हूं, वो है